मैं भी आया थी। चलो कल इसके पहले क्लास में मैंने आपको बताया था कि इसकी मैंने बाइंडिंग कराई थी। ये एनबीसी है, ये 3 पॉइंट स्टार्टर था, इसमें एनबीसी आपको बनवाई थी। आज की हम क्या करेंगे, इसकी ये बन के तैयार हो गई है और इसमें क्या करेंगे, वार्निश करेंगे। वार्निश क्या होगा, वार्निश कराया ताकि ये जो कॉइल है ये बन जाए सही तरीके से, इसमें वाइब्रेशन ना हो। जब वाइब्रेशन नहीं होगी तो जलेगी नहीं बाइंडिंग, ठीक है। अभी हम वार्निश करते हैं, फिर इसका सुखाएंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा तब क्या होगा, पूरा चिपक जाएगा बाइंडिंग सही तरीके से। इसको हम बाइंडिंग करते हैं। चलो रखो, अभी मैंने इस पे वार्निश दे दिया है। अब वार्निश देने के बाद क्या है, इसको हम थोड़ा गर्म कर रहे हैं। देखो सीरीज में हमने लगा करके, सीरीज टेस्ट लैंप से हमने क्या किया, इसको लगा करके थोड़े कुछ देर के लिए गर्म करेंगे। इससे क्या होगा, वार्निश पक जाती है। जब वार्निश पकती है तो क्या होता है कि इसके अंदर सही तरीके से कॉयल आपस में चिपक जाते हैं ताकि वाइब्रेशन नहीं होता है। देखो इसमें मैग्नेट इसमें बन रहा है, ये देखोगे इसमें मैग्नेट ये बन रहा है, ठीक है। देखो आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट तो बन रहा है। अभी जितना सही तरीके से सूखेगा उतना अच्छा मैग्नेटिक इसमें बनेगा मैग्नेट। यह है मेरी डीसी शंट मोटर है। अभी हम क्या करते हैं, इसकी हमने एनवीसी, जैसे आपको पार्ट वन में बताया था कि इसकी हमने एनवीसी बांध रहे थे, तो अब हम क्या करेंगे, इसके हम तार की कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि तार सही है कि नहीं है। इसके हम टर्मिनल्स, चार टर्मिनल्स होते हैं कंपाउंड शंट मोटर में, डीसी शंट मोटर चार टर्मिनल्स होते हैं, उनके हम चेक करेंगे रेजिस्टेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हम इसको, इसमें दो बाइंडिंग होती है, एक संट बाइंडिंग होती है और एक आर्मेचर बाइंडिंग होती है। तो संट बाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है और जो आर्मेचर बाइंडिंग होती है उसका रेजिस्टेंस कम होता है। तो हम चेक करेंगे तो कौन सी संट बाइंडिंग कौन सी आर्मेचर बाइंडिंग है। तो इसके लिए दो मेथड होता है, ये तो आप तो इसका एक मेथड होता है, या तो आप इस मल्टीमीटर के द्वारा इसको हम रेजिस्टेंस मेजर करके बता सकते हैं कि क्या कौन सी संट है कौन सी आर्मेचर है, या दूसरा मेथड होता है कि सीरीज टेस्ट लैंप के द्वारा हम क्या करेंगे, चेक करके बता सकते हैं कि कौन सी शंट है कौन सी आर्मेचर बाइंडिंग है। चलिए अभी देखिए हमने अभी क्या है, सीरीज टेस्ट लैंप से हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इसकी हम आर्मेचर को चेक करेंगे। तो यहाँ हमें फुल ग्लो करना चाहिए, तो देखो यहाँ पे आर्मेचर पे क्या है, देखो लाइट ग्लो कर रही है, लाइट देखेंगे इधर से, लाइट देखो फुल ग्लो कर रही है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसको संट पे लगाते हैं, संट पे क्या होता है सिर्फ स्पार्किंग होती है, तो हल्की आपको स्पार्किंग यहाँ पे दिख रही होगी, हल्की से देखो हल्की स्पार्किंग होती है। अगर ये संट में लगाते हो तो हल्की हल्की स्पार्किंग होती है, यहाँ पे देखो हल्की हल्की स्पार्किंग हो रही है। तो ये क्या है, ये संट बाइंडिंग भी सही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे टर्मिनल को क्या करते हैं, यही जो संट बाइंडिंग है इसको हम लगा करके यहाँ पे जो चार टर्मिनल आते हैं, ये देखिए इसको हटा देते हैं, एक संट वाइंडिंग के चार टर्मिनल्स निकले हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इसको मल्टीमीटर पर हमें चेक करना होता, तो मल्टीमीटर में क्या करते हैं कि दो तो हम इस पे लगाते हैं, दो टर्मिनल लगाओगे तो इसमें कुछ रीडिंग आती है। इसे यहाँ पे भी हम लगा के देखेंगे तो कुछ रीडिंग आएगी यहाँ पे, देखो ये बीप की आवाज़ कर रहा है। तो ये 1.8.6 के लगभग इसमें आता है जो रजिस्टेंस है इसका, 0.1.2 इसमें आ रहा है। तो जो आपका मैक्सिमम जो आता है 0.1.2 के बीच में आता है इसका रेजिस्टेंस, और इसका हाई रेजिस्टेंस का 500 से 600 रेजिस्टेंस होता है इसका, इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है इसका जो इसमें आता है संट बाइंडिंग का, ठीक है। इस तरीके से मल्टीमीटर क्या करते हैं, इसका रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। अभी देखिए इसका ये इसका टर्मिनल से क्या था कि निकला हुआ था, तो हम क्या कर रहे हैं इसमें टर्मिनल बढ़ा रहे हैं। ये देखो इसे चारों तार को क्या इसको बता नहीं रहा था, ये टर्मिनल भी हम बनाएंगे इसका, ठीक है। अभी हम टर्मिनल इसका चेंज कर रहे हैं, देखो ये संट मोटर है ना, इसका हम टर्मिनल चेंज कर रहे हैं अभी। अभी इसका वार्निश ये पक चुका है, ठीक है। अभी ये थोड़ा हल्का मैंने गर्म कर दिया था, इसको लाइट में लगाया था सीरीज में और उन्हें धूप में रखा हुआ था, ठीक है। तो अभी हम इसको इसमें फिट करते हैं और फिट करके फिर इसके हम स्टार्टर में फिट करके इसको हम चला के दिखाते हैं। फिट कर लो, ये इसको इस तरीके से हम लगा दिए और इसके हमने कोर डाल दिया। हाँ
ये कोर फिट हो गया और हम कोर को टाइट कर, नट बोल्ट को टाइट कर दिया। क्या कि हम इसका टर्मिनेशन कर रहे हैं, एक तार इसका यहाँ पे गया, एक तार यहाँ पे आया हुआ है। अभी इसके स्क्रू ढीले हुए थे तो हम क्या कर रहे हैं, इसको टाइट करवा रहे हैं अभी। ठीक है, ये देखो इस साइड से इसके तार गए हुए हैं, तो अभी इसका ये भी टाइट कर देना इसका थोड़ी। चलो देखो, ये हमने आपको देखो यहाँ पे टर्मिनल निकाल दिया है, इसमें क्या करेंगे, एनवीसी में टर्मिनल्स लगा देंगे हमने। यहाँ पे देखो ये एल वाला पॉइंट है, एल वाले के जो कनेक्शन होगा इसमें हैंडल में जाते हुए, हैंडल से होते हुए इसके पहले वाले पॉइंट में ये आता है कनेक्शन यहाँ से। फिर ये इसमें क्या है, जो पट्टी पॉइंट 1, 2, 3, 4 ये क्या है, रजिस्टेंस की पॉइंट निकाले गए हैं। और क्या करते हैं, यहाँ से एक टर्मिनल आया होगा, ये तार यहाँ से निकला होगा और ये तार आकर के यहाँ से इस वाले टर्मिनल पे, ए वाले पे आ गया होगा। यहाँ पे ये ऐसे आया है, देखो यहाँ से ये देखो, ये हमारे पास 3 पॉइंट स्टार्टर है। ये भी हमको 3 पॉइंट में ही बना, जैसे हमने बताया था पहले वाले वीडियो में कि हमने 3 पॉइंट इसको हम यूज करेंगे बना करके। ये देखो एल वाला पॉइंट जो जा रहा है, ये यहाँ से आपके लगा हुआ है ओवरलोड कॉयल, यहीं पे एक ओवरलोड कॉयल है, इस वाले में नहीं है, बाकी अदर वाले में रहता है, यहाँ ओवरलोड कॉयल होता है। बाकी ये स्प्रिंग है, ये देखिए ये स्प्रिंग है, तो आपके पास यहाँ पे ये स्प्रिंग क्या है, इसको हैंडल को जीरो पोजीशन पे लाने के लिए काम करती है, स्प्रिंग करती है। और दूसरा ये है आपका, ये जो है ये ओवरलोड कंडीशन में क्या होता है, जब मोटर में ज़्यादा लोड चल जाता तो ओवरलोड होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, एनवीसी के यहाँ से ओवरलोड क्या होता है, दोनों शॉर्ट कर देता है। शॉर्ट होते ही क्या होता है कि एनवीसी की कॉयल जो है डीमैग्नेटाइज हो जाती है। ये एनवीसी हमने जब जो बनाया है, ये एनवीसी है, ठीक है। एनवीसी क्या होता है कि नो बोल्ट कॉयल, इसको कॉयल बोलते हैं, नो बोल्ट कॉयल बोलते हैं इसका फुल फॉर्म होता है। ये लगा होता है कि इसके फील्ड के सीरीज में लगाया जाता है। यहाँ पे देखो ये जो कॉयल आएगा, एक टर्मिनल हम क्या करेंगे, इसके इस पे लगा देंगे, या अंदर से हम क्या करेंगे, एक टर्मिनल इसका यहाँ से आया होगा, एक इसमें गया हुआ है और एक इससे गया हुआ है, ठीक है ना। एक तार यहाँ से, एक तार यहाँ से गया, ये फील्ड में चला जाएगा और ये जाएगा इसके एनवीसी में, और एनवीसी का जो एक सिरा बचेगा वो यहाँ वाले पहले वाले पॉइंट पे आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पे देखो डायग्राम में एनवीसी के दो तार हैं, एक तार देखो यहाँ से आकर के ये पहले वाले पॉइंट पे जाता है, ये रेजिस्टेंस के पहले वाले पॉइंट में, यहाँ पे ये देखो एनवीसी का तार यहाँ से गया, यहाँ से आया, ये एनवीसी के रेजिस्टेंस के पहले वाले पॉइंट में गया, और एनवीसी का जो दूसरा सिरा है ये वाला एफ वाले पॉइंट में गया। जैसे देखो एनवीसी के दो तार यहाँ से निकलेंगे तो ये वाले एक एफ में चला जाएगा और एक तार जो जाएगा आपका रेजिस्टेंस में यहाँ जाएगा, पहले वाले पॉइंट पे जाएगा। ठीक है, अभी करके कनेक्ट।